हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा अजवाड़ यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सब से शेयर कर रही हूँ आंवले का इंस्टेंट अचार, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ये जो अचार है झटपट बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें कोई भी झंझट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, फटाफट हम 5 से 10 मिनट के अंदर ही इस अचार को तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं आंवले का अचार। इसके लिए मैंने लगभग आधा केजी आंवले ये हैं, ये आप देख सकते हैं। और इन आंवलों को मैंने अच्छे से धो लिया है एक बार, और इन्हें हम पहले कट नहीं करेंगे। अगर हम पहले कट करते हैं तो बहुत परेशानी होती है और वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले हम इन्हें उबालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया है आंवलों को उबालने के लिए, और इस पानी में हम सारे आंवले एक बार डाल देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि इनकी जो फांके होती है ना आंवले की, वो अपने आप से अलग ना हो जाए। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि आंवले की जो फांके होती है ना, वो अपने आप से अलग हो जाएंगी और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पानी में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें उबलने देंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं अचार के लिए हमने कौन कौन से मसाले लिए हैं। तो मैंने दाना मेथी ली है 2 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच मैंने कलौंजी ली है, और यहाँ पर राई और सफ़ेद राई दोनों मैंने ली हैं, और ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच सौंफ ली है, और यहाँ पर मैंने ली है लाल मिर्ची 1 बड़ा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी और थोड़ा सा हींग भी हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आंवले भी उबल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इसकी जो फांके हैं ना उबलने के बाद अपने आप से अलग हो जाती हैं, हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम आंवले को पहले काटते हैं तो बीच में इसमें जो बीज होता है ना, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरीके से उबाल कर हम बनाते हैं ना, तो हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता, इसकी फांके जो हैं वो अपने आप ही अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे आंवले अच्छे से उबल चुके हैं। तो ये देखिए अब जो इसकी फांके हैं ना, वो इजीली अलग हो रही हैं। मैं यहाँ पे आपको वीडियो के ज़रिए दिखा भी रही हूँ, तो इजीली इस तरीके से इसकी फांके उबालने की वजह से अलग हो जाती हैं, और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और काम भी आसान हो जाता है। और यहाँ पर अब जो ये जो मसाले हैं, मतलब दाना मेथी, सौंफ, कलौंजी, राई वगैरह, इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्के हल्के इसे भून लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इन्हें इनका जो कच्चापन है ना उसे दूर करने के लिए इन्हें भून लेना है, और तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो इसमें से अब धीरे धीरे ना हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है, तो बस इससे ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, नहीं तो ये क्या है जलने से लग जाते हैं जो भी मसाले हैं सूखे मसाले। तो बस अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इन्हें हम मिक्सर में हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं ऑयल गरम। मैंने लगभग 200 ग्राम आप मान सकते हैं ऑयल लिया है, और ये यहाँ पर मसाले भी दरदरे पीस लिए हैं, दाना मेथी वगैरह को सबको दरदरा सा पीस लिया है मिक्सर में, इसका पाउडर बना लिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हींग, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ये जो दाना मेथी वगैरह है ना, इनको तेल में भी भून सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भून रही हूँ क्योंकि हमने इसे पहले ही भून लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इन सारे मसालों को हमें आंवलों में अच्छे से डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये जो सारा मसाला है ना आंवलों में, जो आंवले की जो फांके हैं ना उनमें अच्छे से रम जाए, मिक्स हो जाए, ताकि ये जो आंवले हैं वो फीके फीके से ना लगें। तो अच्छे तरीके से हमें एक बार इन सारे मसालों को इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि पहले अच्छे से मसाले रम जाएं तभी हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल को। और यहाँ पर जो है हमारा ऑयल अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, लगभग ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसमें ऑयल धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ सारा ऑयल हमें नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे करके हमें सारा जो ऑयल है उसे मिक्स करना है अचार में, इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और अच्छे से सारे मसालों को ऊपर नीचे कर लेंगे, और अब सारा जो ऑयल है वो इसमें ऐड कर देंगे और अचार को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये
देखिए हमारा जो अचार है ना वो रेडी है। चाहे तो आप इसे अभी भी खा सकते हैं इंस्टेंट बनते ही, और नहीं तो आप इसे 3 से 4 घंटे ढककर रख दें तो ये अचार फटाफट से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो देखिए कितना अच्छा अचार लग रहा है ना। और जब आप इसे जार में भरें ना तब इसमें थोड़ा ऑयल और डाल दें जिससे कि अचार हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि अचार में ज़्यादा ऑयल डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा जो अचार है वो ख़राब होने लगता है। तो आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।